कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जग सुदर्शन चक्र के शरण में इस्कान भीलवाड़ा के भक्तवृंद, प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के 25वें अध्याय में, जहाँ आध्यात्मिक योग और उसका विस्तार से वर्णन, पहले प्रश्न का जो देवहूति माता ने पहला प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भगवान कपिल देव दे रहे हैं। आध्यात्मिक योग और उसका विस्तार से वर्णन। आध्यात्मिक योग का मतलब है अधि आत्मिक, इसका मतलब आत्मा जिससे भगवान की अनुभूति कर सके ऐसा योग। तो उस योग में 25वें श्लोक तक अनन्य शुद्ध भक्ति, भगवान के भक्तों के संग से भगवान की दिव्य शक्तिशाली कथा सुनने से एक के बाद एक स्तर भक्ति का आगे बढ़ने की संभावना है, ये हमने सुना। अब 26 और 27 ये दो श्लोक जो है ना, इसमें ज्ञान और योग के साथ मिली हुई भक्ति, उसका वर्णन है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में उसी को भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे लाने का प्रेरणा दी गई है। परंतु आप ये जान लीजिए कि भक्ति दो प्रकार की होती है, शुद्ध भक्ति, उसको अनन्य भक्ति भी कहते हैं, अविभिचारिणी भक्ति भी कहते हैं, उत्तम भक्ति भी कहते हैं, और दूसरी होती है मिक्स भक्ति, मिश्रित भक्ति। मिश्रित का मतलब मिली हुई भक्ति। किससे मिली हुई भक्ति? ज्ञान से मिली हुई भक्ति, कर्म से मिली हुई भक्ति और योग से मिली हुई भक्ति। उसके भी दो विभाग होते हैं। जो मिक्स भक्ति है उसके भी दो विभाग हैं। एक विभाग में भक्ति अधिक होती है, कर्म ज्ञान या योग कम होता है, उसको कहते हैं प्रधानी भूता मिक्स भक्ति। और ये जो भक्ति हम जो पढ़ने जा रहे हैं 26 और 27 में, ये ज्ञान और योग मिश्रित प्रधानी भूता भक्ति है। दूसरी होती है गुणी भूता भक्ति, उसका अर्थ है कि कर्म ज्यादा है 80% और योग उसमें थोड़ा 20%, सॉरी उसमें भक्ति 20% है। इसका अर्थ क्या हुआ कि योग के फल देने के लिए, ज्ञान के फल देने के लिए या कर्म के फल देने के लिए भक्ति आवश्यक है, बिना भक्ति के फल मिलेगा ही नहीं। तो वो भक्ति मात्र उसी साधन का फल देने के लिए है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है। तो ये जो दो श्लोक हैं ये प्रधानी भूता, पहला जो श्लोक है वो योग मिश्रित भक्ति है और 27वां श्लोक ज्ञान मिश्रित भक्ति है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं।
ये श्लोक में भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्ट श्रुतम मद रचनानुचिंतया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते रजुभिः योग मार्गैः। अब इसमें शब्दों को देखिए, भक्त्या मतलब भक्ति के सारे, पुमान का मतलब है कोई भी साधक इंसान मानव, जात विराग इंद्रियाद, जात का मतलब भक्ति से उत्पन्न होने वाला, विराग माने संसार से अलग भोग के, किस कौन से चीज से विराग, इंद्रियाद, इंद्रियों के द्वारा विषयों में जो भोग करने की भावना है उससे चित्त उठ गया, उससे विराग हो गया, उससे त्याग हो गया। किस विषय में इंद्रियों का त्याग किस विषय में किया, दृष्ट श्रुताम, दृष्ट का मतलब इस दुनिया का जो दिखता है जगत, दृश्य जगत, और श्रुताम का मतलब जो स्वर्ग आदि के विषय में सुना है, मतलब अब इसका अर्थ ये हुआ कि उसके भक्ति के साधन से उस इंसान का इस संसार के भोग या स्वर्ग के भोग से चित्त उठ गया, अब ये भोग की इच्छा नहीं रही, तो फिर क्या करेगा, मद रचना अनुचिंतन, अब मेरी सृष्टि कैसे मैंने बनाई है, कैसे ये चलती है, इसमें कैसे मेरी लीला है, अथवा मेरे अपने आध्यात्मिक जगत में मेरी कैसे लीला है, ये है रचना की परिभाषा। चिंतयत का मतलब उसका चिंतन करता है, चित्तस्य यतो, चित्त जिसका, वैसे योग की परिभाषा है पतंजलि की भाषा में, चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते, जहां चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं उसको योग कहा जाता है। तो यहां चित्तस्य इसका मतलब जिसकी चेतना, प्रभुपाद ने इसका शब्द अर्थ लिखा है मन, क्योंकि वृत्तियां होती हैं मन की, तो मन की वृत्तियां जिसकी शांत हो गई हैं, यतो ग्रहणते योग युक्तो, जिसके द्वारा उसने योग के अभ्यास को ग्रहण किया है, ग्रहण ग्रहणे ग्रहणे का श्री प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है, जिसने मन को वश में किया है, चित्त को मन कहा है, चित्तस्य यतो ग्रहणे, यतो मतलब यतन करके, ग्रहणे का मतलब अपने वश में किया है, किस तरीके से, योग युक्तो, योग के द्वारा। अब इसी योग को प्रभुपाद जी भक्ति योग भी कहते हैं, परंतु यहां है प्रभुपाद ने इसको लिखा है भक्ति योग, और विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद लिखते हैं कि ये योग अभ्यास है, और योग यतिष्यति, यतिष्यति का मतलब किसी चीज में प्रयास करना, यतनशील होके उसका अभ्यास करना, ऋजुभिर का मतलब बहुत आसानी से, योग मार्ग, योग के मार्ग से। अब इसको प्रभुपाद ने देखो लिखा है मिस्टिक योग का प्रोसेस, इसका मतलब जो जो पतंजलि का योग है, अष्टांग योग है, उस मार्ग से। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ देखिए प्रभुपाद जी के शब्दों में, इस प्रकार निरंतर भक्ति में, भक्तों के संग में जो लगा हुआ है, ये पहले श्लोक से लिया हुआ है, 25वें श्लोक में भक्तों के संग में भक्ति करना है, उसी को प्रभुपाद जी ने लिखा है, इस प्रकार भक्तों के संग में भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति आस्ते आस्ते इंद्रिय तृप्ति से उसका जो है वैराग हो जाता है, चित्त उठ जाता है, इस दुनिया में या अगली दुनिया में भोग की भावना समाप्त हो जाती है, और निरंतर भगवान के लीलाओं का चिंतन करने से ये संभव है, क्योंकि भक्तों के संग में क्या मिलेगा, भक्तों के संग में भगवान के लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और उससे
इस जगत के भोगों से और स्वर्ग के भोगों से मन उठ जाएगा। प्रभुपाद का ये कृष्ण भावना का जो स्मारक है, साधन है, ये आसान है रुजू भी। और कौन से किसका? योग का, कृष्ण भावना के योग का साधन सरल है, सुगम है, आसान है। जब वास्तव में कोई भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है तो वो अपने मन को वश में कर सकता है। ये मन को वश में कर सकता है, ये शब्द है चित्तस्य यत ग्रहणे। आसानी से कर सकता है, आसान ये साधन है योग का, ऋजुभीर मार्गई। तो ये श्लोक के शब्द चक्रवर्ती पाद इसके लिए लिखते हैं, मानव पुंसाम जब संसार के और दूसरे जन्म के इंद्रियों के सुख से जब हताश हो जाता है, उसको त्याग देता है और मेरे लीलाओं का भक्ति से चिंतन करता है, मन को वश में करने का प्रयास करता है योग में लगाने से, तो भविष्य में इस राजयोग के रास्ते से जो मैं बताऊंगा वो सफलता को प्राप्त करेगा। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इसके ऊपर पढ़ते हैं। और यहां लिखा, इस देखो इसमें समरी में लिखा है योग मिश्र भक्ति। ऐसी योग मिश्र भक्ति भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले 10-12 श्लोकों में है, उसको भी योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। यह योग मिश्र, मिश्र का मतलब मिलावट वाली, वो भक्ति जिसमें योग थोड़ा सा मिला हुआ है। इसका मतलब करते भगवान की सेवा है लेकिन योग के मार्ग से। मैं इसको आपको थोड़ा सा ऐसे सामान्य दृष्टि से उदाहरण दे दूं। हमारे मंदिर में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप भक्त सब करते हैं। कुछ लोगों को आप देखेंगे तो ऐसे ध्यान में ऐसे सीधे कमर करके और घंटा घंटा बैठ के जप कर सकते हैं, क्योंकि उनको योग का अभ्यास पहले जन्मों का किया हुआ है। कुछ भक्त चलते फिरते जप करने का आदि हैं, क्योंकि वो कर्म में पहले से इतने प्रवृत्त हैं कि अब भक्ति भी करते हैं तो वो चलते फिरते कर सकते हैं, एक जगह बैठ के कर नहीं सकते। उसको बहुत हिलना पड़ता है जप करने के लिए, क्योंकि उसके जीवन में कर्म का प्रभाव पहले बहुत ज्यादा रहा है। और कुछ भक्तों को आप देखेंगे तो वो योग की तरह बैठना जरूरी नहीं है, वो तुलसी के सामने बैठे हैं और बड़े एक आनंद की मुद्रा में उनकी जप हो रही है, आनंद की मुद्रा में, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। इसका मतलब है वो भक्ति के अभ्यास में निपुण हो रहे हैं, क्योंकि भक्ति आनंद से की जाती है। योग तो बहुत ही दृढ़ जो अभ्यास उसमें होता है, जैसे आसन में बैठना है, प्राणायाम करना है, तो उसमें कोई चेहरे के ऊपर मुद्रा मुस्कुराहट की नहीं आ सकती है। लेकिन जिसके हृदय में जप करते करते भगवान की स्फूर्ति होने लगती है, लीलाओं का चिंतन होने लगता है, तो वो भक्ति वाला भाव जप अलग 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 प्रकार का होता है। तो ये हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, हम साधन भक्ति का कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ पूर्व जन्म के अभ्यासों का प्रभाव हमारे भक्ति के ऊपर होता है, तो उसको कहते हैं अभी ये भक्ति योग से थोड़ी मिश्रित है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी जो कपिल देव की शिक्षाएं देवहूति माता को उस वहाँ से ये लिया हुआ है, तात्पर्य में भी है। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं शास्त्रों में प्रायः लोगों को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ये बात, क्या पुण्य कर्म करें? कि ऐसे पुण्य कर्म करो जिससे आपको स्वर्ग, इस धरती के ऊपर सुख मिले
और मरने के बाद स्वर्ग के सुख मिले। ये सारे शास्त्रों में प्रेरणा है और इसी प्रेरणा को नारद जी ने व्यास के ऊपर नाराज होकर कहा कि आपने अपने सारे शास्त्रों में इतना स्वर्ग का लुभावना वर्णन किया है कि लोगों को कहते हैं कि आप त्याग और वैराग से भक्ति करो तो उसमें रुचि नहीं लेते। कहते नहीं, हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं इससे हमको स्वर्ग मिलेगा, यहाँ हमारे को पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ कल्याण में हमारा हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। हरे कृष्णा, ये सब बात नहीं कर सकते। रख दीजिए इसको अभी, हरे कृष्णा क्लास है, इसको यहाँ रख दीजिए तो गर्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो बात लिखी हुई है जिसका नारद जी ने व्यास देव को पहले स्कंद भागवत में कहा है कि आपका ये कर्म कांड का जितना भी वेदों में वर्णन है उससे केवल इस संसार का सुख या स्वर्ग की प्राप्ति, लेकिन इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब उदाहरण दिया जा रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं उदाहरण अर्थ ये बताया गया है कि हमको स्वर्ग में या अन्य किसी उच्च लोकों में जाकर हमारे पुण्य कर्मों का फल मिलता है, और इसके विपरीत जो भक्त होता है वो भक्तों के संग में भगवान के गुण और लीला का वर्णन सुनना चाहता है और ये भी सुनना चाहता है कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे की, इसको कैसे चला रहे हैं, इस कृषि ये सृष्टि का संहार कैसे होगा। इसका अर्थ है भगवान की सृष्टि लीला का श्रवण करना भक्तों के संग में। अब देखिए ये दो लाइनें जो पहली हैं उसका ये तात्पर्य है कि जात वैराग इंद्रिय और श्रुत और दृश्य, ये जो श्लोक में शब्द है उनका अभी तक अर्थ हुआ है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं और तीसरी लाइन का भी यहां अर्थ आ गया है, वो ये है कि मम चरित अनुचिंतन, मेरे चरित्र का चिंतन करते हैं। तो मेरे कौन से चरित्र का चिंतन करते हैं, मैं सृष्टि कैसे करता हूं, मैं सृष्टि का पालन कैसे करता हूं, मैं सृष्टि का संहार कैसे करता हूं, इसके बारे में सुनते हैं। ये है सृष्टि लीला, क्योंकि ये जो तीसरा स्कंद है इसमें आपने देखा होगा कि सर्ग जो भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि होती है उसका वर्णन इसके अंदर विशेष रूप से पहले भाग में किया गया है। और अब भी सांख्या दर्शन जिसका वर्णन कपिल देव कर रहे हैं इसमें प्रायः सृष्टि के अंदर कैसे जड़ और चेतन आपस में मिले हुए हैं, उन दोनों को कैसे विश्लेषण करके अलग करना है, 24 तत्वों की प्रकृति, 25वां तत्व जीवात्मा, 26वां तत्व परमात्मा, इस प्रकार से विश्लेषण को सांख्य योग कहते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये तो हुआ भौतिक जगत की सृष्टि पालन और संहार, इससे ऊपर आध्यात्मिक जगत जो भगवान का है, जहां भगवान की लीलाएं नित्य हो रही है। इस भौतिक जगत में एक तो ये जगत अस्थाई है, इसका प्रकट होता है फिर अप्रकट भी होता है, ऐसे इस जगत में भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो इस जगत में जो लीला होती है वो प्रकट लीला होती है, परंतु भगवान के अपने धाम में भगवान की नित्य लीला होती है, वहां भगवान प्रकट अप्रकट नहीं रहते हैं, नित्य रहते हैं। आध्यात्मिक जगत नित्य रहता है तो उसके विषय में भी सुनते हैं। तो पता ये कहां से पता लगेगा, कहां लिखा हुआ है भगवान के इस जगत के
स्वर्ग के और वैकुंठ के गोलोक के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ है लिखी हुई है, तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा शास्त्र इन लीलाओं से भरा पड़ा है जो हमको मिलती कहाँ है, भगवत गीता में, ब्रह्म संहिता में और श्रीमद् भागवत में। प्रभुपाद ने यहां तीन शास्त्रों का नाम लिखा है जहां भगवान की, इसको मैं पढ़ूं उससे पहले आपको, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने भक्ति के साधन को करने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, मन, कर्म और वचन। भक्ति इन तीनों से होती है, मन, कर्म, वचन से। योग होता है मन से केवल, उसमें कर्म और वचन मिले हुए नहीं होते। योग मात्र मन के वृत्तियों को रोकने को योग कहते हैं, परंतु भक्ति में मन, कर्म, वचन तीनों लगते हैं। कर्म मात्र इंद्रियों से होता है, उसमें मन या वचन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो योग मन से होता है, कर्म इंद्रियों से होता है, भक्ति मन, कर्म, वचन तीनों से होती है। और मैं ये आपको बताना जा रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि मन का चिंतन ये है कि भगवान की कुरुक्षेत्र लीला का मन चिंतन करे या भगवान की वृंदावन लीला का चिंतन करे। मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू थिंक ऑफ कृष्ण इन कुरुक्षेत्र एंड द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण इन वृंदावन। ये प्रभुपाद के शब्द है। इसका अर्थ है सीधा कि मन भगवत गीता के चिंतन में लगाया जाए, ये है कुरुक्षेत्र का, और मन भगवान के वृंदावन के लीला में लगाया जाए, ये है भागवतम। इसका मतलब मन को या चित्त को भगवान में लगाने के लिए है दो तीन शास्त्रों का यहाँ वर्णन किया हुआ है, भगवत गीता का अध्ययन करना, श्रवण करना, भगवत गीता का चिंतन करना। अब चिंतन करना आप कहेंगे कैसे, अर्जुन जब द्वारका से वापस लौटा था कृष्ण भगवान के अपने धाम जाने के बाद, तो अर्जुन बहुत ही चिंतित था, हताश था, आंखों से अश्रु आ रहे थे और बहुत ही दुखी युधिष्ठिर महाराज के था। परंतु जैसे ही कृष्ण की स्मृति आई तो उनके हृदय में भगवत गीता का ज्ञान अपने आप स्फुरित होने लगा, और उस ज्ञान के चिंतन करने से उनके सारे जो चिंताएं थी वो दूर हो गई, और वो अपने आप को फिर पुनः स्वस्थ, मानसिक दृष्टि से शांत और आत्मा के स्तर पे आनंद का अनुभूति करने लगा, क्योंकि गीता का चिंतन किया उसने। उस वक्त उसके सामने गीता पढ़ने के लिए नहीं थी, गीता सुन भी नहीं रहा था, जो उसने भगवान से गीता को सुनी थी उसका चिंतन किया। ऐसे गीता का चिंतन, गीता का श्रवण, गीता का अध्ययन और ब्रह्म संहिता का रोज का पाठ। हमारे बहुत से मंदिरों में मंगल आरती के बाद कहीं शिक्षाष्टकम का पाठ होता है, कहीं ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोकों का विशेष रूप से पाठ होता है, जिसमें भगवान के इस लीलाओं का और भगवान के इस धरती के ऊपर या अपने लोक में लीलाओं का वर्णन है। कुछ मंदिरों में षठ गोस्वामी अष्टक गाया जाता है, तो ये अगर ब्रह्म संहिता आदि मंदिरों में रोज गाई जाए सुबह, तो फिर आस्ते आस्ते हमको इसका श्लोक सब याद हो जाएंगे। जब अभिषेक आदि होता है तब ब्रह्म संहिता गाई जाती है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है,
और फिर श्रीमद् भागवत, ये तो भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार है, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रभुपाद जी लिखते हैं, हर एक पन्ने पे भगवान श्री कृष्ण का आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके लिए दर्शन तब हो सकता है जब आपका मन पवित्र है, और मन पवित्र होता है वास्तव में प्रभुपाद लिखते हैं, जब हमारा खान पान पवित्र है, जब हमारा विचार पवित्र है। तो मन पवित्र की जब प्रभुपाद बात करते हैं, इसका मतलब जिसके योग के अभ्यास से मन को, मन की वृत्तियों का निरोध कर दिया है, तो फिर उसको भागवत के पन्ने पन्ने में, हर एक अक्षर में और हर एक लाइन में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और इसी को चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, भागवत है श्री कृष्ण अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। हर एक श्लोक में, हर एक हर के जगह आपको कृष्ण और अपना भक्त उनके जितने हैं उनके साथ जो आदान प्रदान की लीलाएं हैं वो दिखाई देंगी। तो ये तीन शास्त्रों का चिंतन करते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि वो लोग जो शास्त्र के अंदर स्वर्ग प्राप्ति के लालसी हैं, लालायत हैं, वो तो यज्ञ आदि करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे, बावड़ी खुलवाएंगे, कहीं तालाब खुदवाएंगे, अन्न क्षेत्र चलाएंगे, अच्छे हैं ये बातें, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ये अच्छे हैं, परंतु इनसे इनको यहाँ नामाचार मिलेगा, यहाँ उनका जो है मशहूरी उनको प्राप्त होगी और समाज में बड़ा सम्मान होगा, और शरीर छूटने के बाद संभवतः स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो। उसके विपरीत, उसके विपरीत मतलब दूसरा वो वर्ग है जिसका ज़्यादा समय भक्तों के संग में गीता को, भागवत को, भक्ति अब अपना ब्रह्म संहिता आदि को, जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन है, उसको श्रवण में वो काम लगाते हैं। वो संभवतः मशहूर नहीं है संसार में, उनकी कोई वो यहाँ प्रशंसा नहीं दे, और न ही मरने के बाद वो स्वर्ग में जाते हैं। उनको तो भगवान जिसकी लीलाएं प्राप्त सुन रहे हैं उनकी लीलाओं में प्रवेश मिलता है। तो दोनों के काम अलग हैं और दोनों का लक्ष्य अलग है और दोनों का फल भी अलग है। तो ये जो बात यहाँ की जा रही है कि क्योंकि भक्त भक्तों के संग में भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। जब वो भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं तो उनको सौभाग्य मिलता है। उसका उसका फल क्या होता है जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है, उसका फल ये मिलता है कि उनको डिस्टेस्ट हो जाती है। डिस्टेस्ट का मतलब है कोई स्वाद नहीं आता है उनको, किस में स्वाद नहीं आता है, रस नहीं आता है, उनको रस नहीं आता है संसार के सुखों में। जैसे मैं कहूं कि हम आप भक्तों में भी आप देखा होगा कि प्राय आप भक्त कहीं कोई बड़े शॉपिंग मॉल में जाना, वहां देखना, उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई बड़ा कहीं पार्टी है उधर जाने की कोई इच्छा नहीं, उधर उनको कोई आनंद नहीं आता है, क्योंकि एक तो वो वहाँ का जो भोजन भी नहीं खाते हैं क्योंकि प्रसाद नहीं होता है, और पकाने वाले बांटने वाले उनका माहौल ऐसा होता है कि उसको देख के खाने का मन नहीं करता है, और खाया भी नहीं जा सकता है ऐसी जगहों पे जाकर। तो इन चीज़ों में भक्तों को कोई रुचि नहीं रह जाती है, उनसे उनका मन उठ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने में उनको भगवान में मन इतना लगता है कि संसार से मन उठ जाता है। ये है भक्तों की कथा को सुनने का, भक्तों के मुख से भगवान की कथा को सुनने का नतीजा या रिजल्ट या फल या परिणाम, के तथाकथित संसार के भोगों में या स्वर्ग के सुखों में भी कोई रुचि नहीं रहती। स्वर्ग के वर्णन से भी वो प्रभावित नहीं होते। वाले ठीक है, वहां भी तो सुख है ना,
अब इंद्रियों के सुख के लिए इस संसार में भी भागा दौड़ी कर रहे हो, मरने के बाद भी वहां के सुख ही चाहते हो ना, तो भगवान चाहते हो क्या? दोनों को बनाने वाला, जगत को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला भगवान है, उसको चाहते हो या उसकी प्रभुता को चाहते हो? इसको एक एक श्लोक में कहते हैं, प्रभुता को भजे सबको, प्रभु को भजे न कोई। भगवान की बनाई हुई दुनिया और स्वर्ग के पीछे तो सब लगे हुए हैं, उसका सेवन करना चाहते हैं, पर प्रभु की कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुता को भजे सबको, प्रभु को भजे न को, जे प्रभु का तो जे अगर प्रभु को भजे तो प्रभुता काय को हो। अगर भगवान का ही सेवा में लग जाए तो फिर दुनिया में क्यों लोभ लालच हो, क्यों स्वर्ग में जाने की इच्छा हो, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो प्रभु और प्रभुता, प्रभुता का मतलब भगवान के द्वारा प्रकाशित आश्चर्यजनक जगत और बहुत ही लालायित आनंद देने वाला इस भोग में स्वर्ग आदि लोक, ये प्रभुता है। मतलब प्रभु का ये एक जाल बिछाया हुआ है जिसमें जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है वो फंस जाता है। एक जगह ये प्रवचन किया गया कि आज शाम को कथा के बाद भगवान आएंगे, इस कक्ष में बैठेंगे, सबको दर्शन देंगे, जो भाग्यशाली भगवान का दर्शन करना चाहे आ सकता है। अब तो ये डंडौरा शहर में पीटा के भगवान का दर्शन कर आज होगा, 5 से 6 बजे तक भगवान दर्शन देंगे। अब सारा नगर उमंड पड़ा, तो भगवान ने क्या लीला की, पहले एक जगह पे रास्ते में आइए आइए, हलवा पूरी का भंडारा चल रहा है, रसगुल्ला रसमलाई यहाँ सबको फ्री में बांटी जा रही है, सब लोग लाइन में खड़े हैं, खाने में मस्त लगे हुए हैं, क्योंकि मालूम था 4 से 5 भगवान दर्शन देंगे, तो 3 बजे घर से निकले थे कि हम पहुंच जाएंगे 4 बजे। अब जो इतना बड़ा भंडारा रास्ते में था उसमें बहुत लोग खाने में इतने लग गए कि 4:30 तो यहाँ हो गए। अब बुला रहे, आधा घंटा बचाए, चलो 4 बजे भगवान के दर्शन में तो समय पर आगे आए। तो एक बहुत सुंदर गान हो रहा था, नृत्य हो रहा था, और उसमें इतने लोग मगन हो गए कि 1 घंटा बीत गया उनको पता नहीं लगा, अरे 4:45 हो गए, चलो चलो भागे। आगे गए तो शेर खड़ा था, 2 शेर खड़े थे। अब उसके अंदर जाएं कैसे, वो हर 15 मिनट के बाद शेर को वहां से हटाया जाता था, फिर वापस शेर को लाया जाता था। तो ये इनके पास बचे ही 15 मिनट थे और शेर सामने खड़ा था, अब अंदर कैसे जाए। तब तक 5 बज गए और कहा कि भगवान के दर्शन का समय बंद हो गया। और उस पूरे भीड़ में कोई एक व्यक्ति मुश्किल से ऐसा था जिसने बोला मुझे खाना नहीं है, मुझे ये देखना नहीं है, मैं तो भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा, वो वहां पहुंच गया, बाकी कोई नहीं पहुंच पाया। तो ये संसार का जो जाल बिछाया हुआ है, इसमें जो फंसते जाते हैं वो भगवान तक पहुंच नहीं पाते। अगर रास्ते में भगवान की कथा भी होती तो उसमें भी नहीं रुकते, लेकिन खाने पीने में रुक जाएंगे, गाने में रुक जाएंगे, नाचने में रुक जाएंगे, उसको देखने लग जाएंगे। तो ये है इन दोनों पक्षों का अंतर। एक होते हैं वो जो केवल खान पीन में, नाच गान में, दर्शन में, उसमें मस्त हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग करके भगवान को देखने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त हैं वो एकमात्र उनका जो रुचि है वो है कि वो भगवान के लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, और कोई उनकी इच्छा नहीं, न संसार के भोग की इच्छा है,
और ना ही स्वर्ग के भोग की इच्छा है, एकमात्र उनकी लालसा है कि हम भगवान के धाम में जाकर भगवान के सानिध्य को प्राप्त करें। इसलिए उनको इस संसार की क्षणिक बनावटी सुख में कोई रुचि नहीं है। इसको कहते हैं योग युक्त। इसका मतलब वो योग में जुड़ा हुआ है। जो योग में जुड़ा हुआ है, योग युक्त है, ये प्रभुपाद ने जो लाइनें लिखी है ना, ये छठे अध्याय भगवत गीता के एक श्लोक का भाव है। गुणापि न विचालियेत, गुणाप तपि न विचालियेत का मतलब ये है कि एक बार योग युक्त होगा तो उसको कोई भी दुनिया का और सुख अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि योग में जो उसको आनंद आता है उसके सामने ये संसार के सुख तुच्छ है, ये क्षण भंगर है। इसको कहते हैं जो जो आत्मा का आनंद है और भगवान की प्राप्ति का जो 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 बहुत आकर्षित आनंदमय जो अनुभव है उसके सामने ये सारे सुख तुच्छ है। इसको इसको कहा गया है अपना एक शब्द में, ये भोग और त्याग वाला संसार है, ये सब क्षणक है, इसमें भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। तो ये बात प्रभुपाद ने लिखी है, जो एक बार योग में आरूढ़ हो गया, योग का योग की सिद्धि को प्राप्त किया, और योग की जब परिभाषा कहते हैं ना, तो प्रभुपाद छठे अध्याय के योग में भी योग के शिखर को भक्ति का योग कहते हैं। अन्य योग उस शिखर तक पहुंचने के लिए जो है सीढ़ी है। तो वास्तविक योग की पूर्णता तो भगवान की प्राप्ति में है। this you can join little late, okay? मेरे को वीआईसी के एक भक्ति वैभव के ओपनिंग में भाग लेना है, मुझे पढ़ाना है उसमें, तो थोड़ी देर हो इस पर मैं तात्पर्य पढ़ के पूरा कर लेता हूँ। सो श्रील प्रभुपाद ये छठे अध्याय के भगवद गीता का आपको श्लोक आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। ये श्लोक छठे अध्याय का अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिस श्लोक को प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है। ये प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ने का ये प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ने की विधि है। ये है छठा अध्याय और ये श्लोक यहाँ होना चाहिए। नैव नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चिद्येत, नहीं श्लोक गुणातपि न विचालियेत। कोई श्लोक को ढूंढे जरा कहाँ लिखा है। छठी अध्याय का एक श्लोक है, ना कौन सा श्लोक है ये, यम लब्ध्वा चापरम लाभम। ये कौन सा श्लोक है, ये श्लोक हाँ ये श्लोक एग्जैक्टली आप कहते हो, छठे अध्याय का यही श्लोक है। यम लब्ध्वा चापरम न अन्य, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जब ये मिल गया, परमात्मा की अनुभूति हो गई, तो उससे ज्यादा कुछ है नहीं, और फिर उसको कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज उसको लुभा नहीं सकती। ये
ये कहाँ है, ये श्लोक कौन सा है? 6:22 प्रभु जी, 6:22 हमें वही का तीन चार श्लोक साथ है, ये उसी में है। हाँ ये श्लोक श्लोक मैं समझ गया, 22वां इसलिए कहते तो श्लोक सारे तीन चार कठे है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणात् नपि विदा विचार लेते तम विद्याद दुख संयोयं वियोयं योग संयतः। ये जो श्लोक है बराबर, यत्रो प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात्म आत्मानं पश्यन आत्मनि तुष्यति सुखम आतितम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम वेति यत्रण चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् इतो हि दुखे न गुणानपि विचाल्यत। ये श्लोक है, इसके ये प्रभुपाद के ये तात्पर्य लिखते हुए ये श्लोक उनके हृदय के ऊपर स्फुरित हुआ, तो उन्होंने इस शब्द को यहाँ लिखा है कि जब वो ऐसे जो को मिस्टिक योगा लिखा है, इसका मतलब वो ऐसे योग में जब स्थिर हो जाता है तो उसको संसार के कोई भी जो है लुभावने वाली चीज आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है आध्यात्मिक चीज को अपने जीवन में समझना और ग्रहण करना। अब प्रभुपाद जी मुख्य बात लिख रहे हैं कि ये जो बहुत ही उत्तम स्थिति है जीवन में परिवर्तन की, कौन सा परिवर्तन? सबलाइम सिचुएशन का मतलब है जीवन में परिवर्तन आ गया है, पता नहीं लगा कैसे परिवर्तन आ गया। जैसे आप लोग जैसे मंदिर में जाना शुरू हुआ, थोड़े दिनों के बाद आपको खान पान में जो चीज़ें पहले खाते थे वो अच्छी नहीं लगने लग गई, जो पहले पीते थे वो सब छोड़ अपना अच्छा नहीं लगने लगा। ये आपको पता नहीं लगा कि आप में कैसे परिवर्तन आ गया, इसको बोलते हैं सबलाइन। ये जो दिव्य स्थिति आपके अंदर परिवर्तन हो गया, ये आसानी से हो गया। भक्ति योग में इतना प्रबल है इसलिए ऋजुभीर योग मार्ग ही कहा गया है। इसका अर्थ है ऋजुभी का मतलब बहुत आसानी से सीधा, उसे ऋजु शब्द जो है रजु जिसे अर्जुन शब्द निकलता है उसका मतलब है सीधा, इसका मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब बहुत से योग के तो अलग अलग मार्ग है, परंतु भक्ति के द्वारा जो भगवान की प्राप्ति होती है वो आसानी से होती है। केवल ये आसान नहीं है परंतु इसका फल भी बड़ा उत्तम है। बिना बिना देखे देखे और इसके फल की अनुभूति होने लग जाती है, इसलिए सबको कृष्ण भावना के इस मार्ग को अपनाना चाहिए ताकि हम जल्दी उत्तम स्थिति को प्राप्त कर ले। चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के विषय में लिखते हैं, भक्ति के विषय में कपिल देव ने बताया, अब योग के विषय में बता रहे हैं। योगी को पहले तो संसार के सुखों का और स्वर्ग के सुखों का त्याग करना चाहिए और फिर योग के अभ्यास से भगवान की लीलाओं का मद रचना का चिंतन करना चाहिए, इससे मन को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा या तो भोग में जा सकता है या फिर मन अंदर की तरफ आत्मा की तरफ मुड़ के भगवान की लीलाओं के स्मरण में लग सकता है। एक को बाहर मुखी मन कहते हैं, एक को अंदर अंतर्मुखी मन कहते हैं। तो जो बाहर मुखी मन है उसको बदल के अंतर्मुखी मन करा दिया जाए और इस रास्ते के ऊपर, ये सही रास्ता है। रजू भी मार्ग का मतलब आसान भी है और सीधा रास्ता भी है, सही रास्ता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भक्ति के अंदर योग मिक्स है। भविष्य में मैं आपको बताऊंगा, आगे आगे कहेंगे कपिल देव के आप मुझको प्राप्त कर लोगे। तो यहां हमारे आज के श्लोक का तात्पर्य पूरा होता है और इसके अंदर विशेष बात यह है कि अगर हम भक्तों के संग में
भगवान की कथा लीला को सुनेंगे तो उसका आप अपने जीवन में एक जिसको कहा जाता है कि उर्दू में कहते हैं तजजिया करना, हमें तजजिया शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने आप को देखो के भक्ति के कथा सुनने से, भक्तों के संग करने से आपका कितना दुनिया के भोगों से मन उठा है, कितना आपको जो पहले पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, इधर जाना उधर जाना जिसमें रुचि थी वो कितना कम हुआ है। स्वर्ग की बात तो मैं समझता हूँ हमारे भक्तों के मन में इच्छा में है नहीं, सामान्य लोग प्रायः स्वर्ग की भावनाओं का तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि इतना हमारे पास धन ही नहीं है जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाने का सोचें। ये तो स्वर्ग वाली बात तो छोड़ो, इस दुनिया के भोगों से आपकी कथा सुनना, भक्तों का संग करने से कितना कम हुआ है, कितनी मात्रा में कम हुआ है, ये आप आस्ते आस्ते इसका हिसाब किताब रखते चलो, इसका इसको देखते चलो कि भगवान के भक्तों के संग में कथा सुनने में कितना दुनिया के भोग विलास से आपका मन उठा है, उतनी मात्रा में आपको भगवान के प्रति आसक्ति हुई है, ये समझा जाएगा। इसको कहते हैं जितनी मात्रा में भोग विलास से निवृत्ति हुई है उतनी मात्रा में भगवान के कथा में प्रवृत्ति होगी। तो ये आप देख के अपने जीवन में इसका जो है आंकलन कर लीजिए। हरे कृष्ण। किसी का जिज्ञासा है, प्रश्न है? प्रश्न जिज्ञासा है किसी का? 20 लोग हैं। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, जय जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रश्न है मेरा प्रभु जी, रमेश चंद्र, क्या प्रश्न है आपका? आपने लिखा तो है। क्या प्रश्न है? बोलिए, मुझे दूसरे एक जूम मीटिंग में जाना है। हाँ भाई रमेश चंद्र जी बोलिए, और सभी का हाथ ऊपर है, गोपाल सिंह का हाथ ऊपर है, बोलिए। अरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, अपन जैसे मंदिर आते हैं, मंदिर में अपन जैसे भक्ति करते हैं, माला करते हैं, फिर अपन प्रभु जी जैसे वापस दुकान जाते हैं इन भौतिक चीजों में, तो प्रभु जी वहाँ पूरे दिन में जैसे अपने तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बातें होती है, तो उन चीजों से अपन को कैसे बचा जाए, कौन किस विषय में चर्चा करता है, कौन किस में? ये तो देखो हमारा, ये देखो हमारा जो व्यवसाय है, जो हमारा धर्म है, उसको तो हमको अच्छी तरह से पालन करना है, उसको नहीं छोड़ना है, उसमें भगवान की स्मृति रखनी है। मैं इसमें आपको धंधे में रुचि, आपको कमी आई है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ये इसका उद्देश्य ऐसे है कि पहले कहीं कोई शादी पार्टी होती तो जो हम दुकान बंद करके दौड़ के भागते थे, और अब कहते हैं अरे क्या करेंगे जाके उधर, हमको कुछ खाना तो है नहीं, मंदिर का एक तो काम की चीज़ है नहीं, कोई भक्त प्रसाद तो होगा नहीं, क्या करें, मुँह दिखाना है, चलो 5 मिनट चले जाएंगे। ऐसा अगर मन में भाव आ रहा है, इसका मतलब हमारे को संसार के भोगों से दिल उठ रहा है। जी प्रभु जी, वो है मेरा था जैसे दुकान पे तरह तरह के लोग आते ना, तरह तरह की बातें, तो उससे क्या वो तो वो जैसे ये तो देखो धंधे के अंदर धंधे के अंदर गीता में लिखा है कि जैसे आग जला के भोजन बनाते हैं तो उसमें धुआं भी पहले आता है, तो धुएं के बिना आग हो नहीं सकती,
तो धंधे में ऐसे सारे दोष हैं, बिना दोष के धंधा हो नहीं सकता। इसलिए उन दोषों के उस दोषों को धोने के लिए हम थोड़ा सा भगवान के मंदिर जाते हैं, साधन करते हैं, ताकि उन दोषों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। ये दोष तो हैं, जैसे धुएं में आग होती है, उसे आग में धुआं होता है, तो धुएं के कारण जो है लकड़ी के ऊपर रोटी पकाना लोगों ने नहीं छोड़ा है, तो अपना काम लगा, हमारे को निकालना है, धुआं तो है ही है। इसलिए थोड़ा समय साधन करते हैं, तो जैसे टीका लगाया हुआ है तो कोरोना नहीं हुआ, ऐसे हम मंदिर में जाके टीका लगाते हैं, आते हैं, तो फिर अपना धंधे का काम करते हैं, तो उस धंधे में दूसरे लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हम अपने काम को करके सफलता से कर सकते हैं। और कितना आपको जैसे जैसे दुनिया में घूमने फिरने का होता है, आउटिंग में जाना है, आज होटल में खाना है, उसमें कितनी रुचि आपकी कम हुई है ये देखना है। अब किसी चीज में आनंद भी नहीं आता, वो उसमें रुचि कम होने का मतलब है आप जो साधन कर रहे हैं उसका फल आपको दिखाई दे रहा है। अब बाहर के लोग देशों में जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ घूमने का वहां घूमने का, हम तक आज तक नहीं गए, हमें हम कथा करने आए, कथा सुनो, घूम के क्या करेंगे, सब जगह एक जैसे। प्रभुपाद जी गए अफ्रीका में, गए कहा यहाँ एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी चिड़ियाघर है, आप देखेंगे। बोला चिड़ियाघर में क्या होता है? बोला सब प्रकार के पशु होता है। बोला ये दो पांव वाले पशु बाहर घूम रहे हैं, इनको मैं देख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे चिड़ियाघर में जाके देखने की। तो ऐसा कहीं घूमने की इच्छा, इस दुनिया में कुछ भोग करने की इच्छा, वो कम होने लगती है जब हम वास्तव में हम तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है, चलो वृंदावन चलते हैं, लेकिन कोई चाहे कि भाई बॉम्बे घूमने चले तो उसमें रुचि नहीं होती। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ हाँ, सभी क्या प्रश्न है आपका? गोपाल सिंह का, हरे कृष्ण। हाँ मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। जैसे हम माला करते हैं, छह माला है, तो जैसे सुबह मंदिर में बैठ के करते हैं। हाँ जी। और जैसे कि बात की माला है जो चलते फिरते करते हैं, तो वो क्या स्वीकार होती है ना? नहीं, देखिए भक्तों के संग में माला करते हैं तो उधर हमारा थोड़ा मन ठीक लगता है, फिर हम अकेले माला करते हैं तो माला है तो करनी अकेले है, उसमें उतना सारा आनंद नहीं आएगा जितना भक्तों के संग में मंदिर में करते हैं। परंतु घर में करने का मतलब हम अपने नियम को पालन कर लेते हैं, तो नियम पालन करना भी हमारा एक संकल्प है, तो इसलिए चलते फिरते घर में कहीं भी माला जप लेना चाहिए, वो हमारा नियम पूरा हो जाएगा। और मंदिर में जाके जपते हैं वो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक स्कूल में जाके बच्चा पढ़ता है और एक घर में बैठ के पढ़ता है, दोनों में अंतर है। स्कूल में जाता है सब पढ़ने वाले होते हैं इसलिए पढ़ने का मन करता है, घर में और कोई और काम करता है, कोई और काम करता है, इसलिए पुस्तक बच्चा किताब छोड़ के टेलीविजन देखने लग जाएगा, यूट्यूब देखने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ माहौल नहीं है। लेकिन स्कूल में ना यूट्यूब देख सकता है और ना ही टीवी देख सकता है। तो मंदिर में जाके जप करना मतलब स्कूल में जाके पढ़ना, और घर में बैठ के जप करने का मतलब है फिर बच्चे की तरह इधर उधर फिरते हुए जप करना, लेकिन करना तो है होमवर्क, क्योंकि कल पूछेगा सा, तो इसलिए घर में कर लेते हैं, लेकिन उसमें उतना इसलिए घर में भी एक स्थान बना लें अपना कि इधर ही बैठ के आसन लगा के हम जप करेंगे आधा घंटा, तो उसमें फिर आपका मन लगने लग जाएगा। हरे हरे कृष्णा। तो सर्दी में कौन से जूतों की सीजन चल रही है आपकी? सभी आना कहा, अरे प्रभु जी कहाँ है, प्रभु जी की दुकान कहाँ है, प्रभु जी का कोई भक्ति आता है प्रभु जी काशी नगर में? कथा वथा में कभी आते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी। अरे भाई उसको बोलो एक आधा दिन तो घूमने आ जा। प्रभु जी उनका भी प्रश्न था कि प्रभु जी से पूछना कि शंकर भगवान के पिताजी कौन है। क्या 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 पूछा उन्होंने?
हाँ नहीं, वो बहुत बड़े हैं, भौतिक जगत में सबसे बड़े हैं, उनको बोलो वो इस जगत में सबसे बड़े हैं। महादेव है, सारे देवताओं के देवता है, लेकिन वैकुंठ में बड़े विष्णु हैं। देखो आप अपनी मार्केट में हो सकता है आपका सबसे बड़ा जूतों का दुकान हो, लेकिन पूरी दुनिया में तो आपका बड़ा नहीं है। तो आप बंबई वाले दुकान के बराबर नहीं है आपका। ऐसे शंकर जी इस दुनिया के सबसे बड़े जरूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शंकर जी बड़े नहीं है, उधर नारायण बड़ा है। वो उनका वो तो शंकर जगत का पिता है। वैसे शंकर जी की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के मस्तक से हुई है, दोनों आंखों के बीच से हुई है। वैसे भगवान विष्णु का वो संसार को सृष्टि के करने का जो है रूप है। तो शंकर जी को प्रार्थना करोगे, अगर उनसे कोई दुनिया की चीज नहीं मांगोगे तो आपको कृपा करके शंकर जी कृष्ण भक्ति दे देंगे। बहुत से ऐसे भक्त हमने देखे हैं जो शंकर जी के भक्त थे, शंकर जी की कृपा से आज अच्छी तरह से तुलसी के सामने बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। शंकर जी की कृपा किसको मिलती है, वो भगवान का भक्त बनता है। लेकिन जो शंकर जी से दुनिया मांगता है उसको दुनिया मिलती है, और जो कहता है नहीं हमें भगवान की भक्ति चाहिए तो वो अपने से ऊपर भगवान की सेवा में लगाता है। वो कहता है कितने सालों की भक्ति के बाद देवी हमको शंकर की सेवा में लगाती है, कितने साल के शंकर की सेवा करेंगे तब विष्णु की भक्ति लगती मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और प्रभु जी मैंने 2 दिन से चाय भी नहीं पी, अब चाय भी अब छोड़ दी है, लगभग तो छोड़ी। पता नहीं हमने कथा किया था, हमारा ये मित्र बैठा है इसने भी छोड़ दिए। गोपाल जी बोला था, बोला पी रहा हूँ मैं, कहा था लेकिन वो कर नहीं पाया। ये बहुत मुश्किल सा क्या है, स्वभाव आदत पड़ी होती है, उसको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमको कभी पता ही नहीं लगा कैसे छूट गई। आज 45 साल हो गए हैं हमने चाय को नहीं पिया है, और जबकि हम चाय पीते थे 8-10 कप कम से कम, जब डॉक्टरी में पढ़ते थे तो पीते थे, डॉक्टरी कर ली थी तब तक पीते थे, रात को पीते थे पढ़ते, लेकिन जब भक्ति करने गए पोस्टकशन करने गए तब चाय हमसे छूट गई, हमको प्रयास भी नहीं करना पड़ा उसके लिए, अपने आप छूट गई। जैसे भगवान की तरफ आपका वास्तव में मन लगा ऐसे दुनिया की तो आपकी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृपा करेगा। अच्छा धन्यवाद बेटी। अच्छा भाई मैं क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ, मुझे दूसरी एक जूम मीटिंग में जाना है। ओके हरे कृष्ण। वांछा कल्पत्रो भयस्य कृपा सिंधु व्यापति तानम पावन वैष्णव। चलो ये एक मीटिंग का थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा नमक डालो क्या इसमें? नहीं नमक नहीं डालो, नहीं डालो, नहीं डालो नमक, नहीं इसमें डालना है तो नींबू डालो। नहीं नींबू डाला, शहद डाला, अदरक काली मिर्ची डाली। ये ठीक है, ठीक है। अब एक मेरे को इस